काली के मंदिर की धरती, गुरुद्वारों का शहर पटियाला, जहां अमर प्रेम कहानियां आज भी किला मुबारक में अपने प्यार की दस्तक दे रही है। पर कुछ प्रेम कहानियां मिलने से नहीं, बिछड़ने से बनती है। मौत जिनका अंत नहीं, शुरुआत होती है। ऐसा प्यार जो कुदरत की हदें नहीं मानता, जो किस्मत का लिखा नहीं जानता, जिसमें बेपनाह खुशी होती है तो बेहिसाब दर्द भी होता है, विरह होता है। वो किस्मत होती है जो उन्हें जुदा करती है, तो वो कायनात भी होती है जो पूरी शिद्दत से उन्हें मिलाने की साजिशें रचती है। ऐसी एक प्रेम कहानी है ऋषि और तनु की, जो शुरू हुई तब जब वो छोटे थे, मासूम बचपन। बचपन की दोस्ती कहां जानती थी, एक दिन उनका प्यार मिसाल बन जाएगा। उनकी कहानी एक दूसरे से ऐसे जुड़ी है कि वो जहां भी जाएं, जहां भी रहें, किसी भी मुसीबत में पड़े, एक दूसरे का साथ उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच ही लाएगा। उनका प्यार ही ऐसा है जिसे दुनिया ने नहीं, कायनात ने बनाया है। वो कसम देके बनाया है जिसे पूरी करने के लिए वो जिंदगी और मौत के दायरों को भी पार कर जाएंगे। उस कसम के लिए कयामत से भी लड़ जाएंगे। आजा पकड़ मुझे, आजा आजा तनु, आजा ले ले रिबन, आजा जल्दी आजा, मैं इधर हूँ, रिबन चाहिए ना। कब तक चेने पुल करके हाय हाय करोगे? पेशेंट के बिना हद होती है, या तो लीव करो या तो डाई करो ना। तू बिना शारदा कहाँ लेकर के आ गई है मुझे? कम बैक होम ना यार, तुझे पता है ना लोरी की कितनी प्रिकॉशन करनी है, कितनी तैयारियां करनी है। मेरी 50 प्लस पीछी, अगर उसका दिमाग स्लीप हो गया ना तो बस स्यापा मचा करके रख देगी। लोरी तो शाम को है, तो अभी से क्यों परेशान हो रखी है? मैं सब संभालूंगी, लेकिन ये हीर रांझा पूरा देख के ही घर जाएंगे। हाँ अरे ये ऋषि कहाँ गया? कितनी बार समझाया मुझे, बताए बिना कहीं मत जाया कर, फिर भी चला गया। ठंड पा रानो, ठंड पा। वो अकेला नहीं है, तनु है ना उसके साथ। Thank you.
की जगह खाली हो गई। आ ना, चल जल्दी चल 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 भाग जल्दी जगह पकड़। नाटक का आखिरी हिस्सा चल रहा है। उठ जा पुत्र, हमें तुम्हारा रांझा मंजूर है। सच चाचा जी? हाँ सच बेटा सच। हाँ बेटा सच। रांझा। हीर। मुझे तुम्हारे पास आना ही था, हमें तो मिलना ही था। इस दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। मैं ये क्या बातें कर रहे? प्यार की बातें। प्यार क्या होता है? प्यार जिंदगी होता है, रिश्ता होता है दो दिलों का। जब दो लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते ना, वो प्यार होता है। माँ, ऐसा प्यार सबको होता है? हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है, और जब वो आता है ना, तो हमें इशारा मिल जाता है कि ये वही है जिसे रब ने चुना है तुम्हारे लिए। सच्चा प्यार जन्मों तक का साथ होता है। तुझे पता है तन्नू, रब का सबसे सोना तोहफा होता है ये प्यार। इंसान के जुनून जितना पाक, कयामत तक साथ जीने मरने की दुआ मांगता है ऐसा प्यार। दोस्ती जैसा है ना? उससे थोड़ा ज्यादा गहरा, जो आत्माओं को जोड़ता है। हीर, 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 क्या हुआ हीर? तुम मर नहीं सकती, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कौन तुम्हें मुझसे जुदा करना चाहता? क्यों? मैं तुम्हें कैसे खो सकता जब वो मेघ से आते एक दूसरे से जुड़े हैं? तुम मर कैसे सकती हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा साथ। हर जन्म तुम्हारा इंतजार करूंगा। बना है ना, तो वो पहाड़ों को चीरते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, तो होठों के बीच आके भी निकल जाएगा। माँ, हमें कब पता चलता है कि हम किसी से प्यार करने लगे? लोग अपने लिए खुशी मांगते हैं, पर जब हमें किसी से प्यार हो जाए ना, तो हम उसके लिए खुशी मांगते हैं। फिर चाहे हम उस खुशी में शामिल हो या ना हो, समझी बेटा? क्या होता है? ये दोनों जो प्यार की बातें कर रहे, क्या वो सच है? देख बेटा, ये जो प्यार, अच्छा ठीक है चल, मैं बताती हूँ तुझे कि प्यार क्या होता है। आ,
मम्मा मम्मा मैं गोला खाने जाऊं? जाओ जाओ। देख वो देख बेबी कित्थे प्ले तो मैंने कर दिया हीर रांझा। अरे यार ड्रामे के लिए नाटक तो करना पड़ता है ना प्यार का। बस ना क्या घर तक छोड़ेगा तू? हर हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है क्या? और क्या, मेरा तो सिंपल फंडा है पुराना वाला, ये प्यार व्यार ना सब बेकार चीज है। मेरा पकाऊ पति है ना, वो मेरा घर पे इंतजार कर रहा होगा और दरवाजा घूर घूर के देख रहा होगा कि कब आएगी। देखा तूने, ये लोग एक्टर है एक्टर, और वो स्टेज था, ड्रामा था। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना प्यार की, ऐसा प्यार व्यार कोई नहीं होता है दुनिया में। प्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ ड्रामों में बिकाऊ होता है। ये लोग स्टेज पर प्यार की एक्टिंग करते हैं और हम लोग उसे सच मान करके बस तालियां बजा देते हैं। लेकिन असली सच वही है जो तूने वहां पर देखा। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। चल छोड़ा भी ड्रामेबाजी, हाँ घर चलते हैं। मनप्रीत भैया उतारो इसको, चल जल्दी आ, फटाफट जल्दी चल। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। सच कहती है माँ, प्यार नहीं होता। माँ सच कहा आपने, प्यार होता है। बीजी जिंदी रहे बहू। जिंदी तो मैं रहूंगी ना बीजी, अगर मैं नहीं रही तो इस घर को और आपको कौन संभालेगा बीजी? है ना मुझे संभालने वाले मेरे दो दो पुत्र, एक मेरा राजी ते दूसरा उसका दोस्त वीरू। ये दोनों ना बस एक दूजे के साथ रह के ही खुश रहते हैं। बीजी ठंड लग रही है आपको, मैं शॉल ले आऊं? नहीं पुत्र फिक्र ना कर तू। तू लोरी के मकई क्यों खा रहा है? तो ले तू पकड़। क्या कर रहा है? नाचना यार भरजाई, आपने ना बड़ा अच्छा नाचना सिखा दिया। अच्छा लगा। ओ बस्कर प्राप बस्कर, अरे अपना गांव आ गया। थैंक यू थैंक यू। अरे ओए मेरी देवरानी आ गई है। ओए जीत साडा।
माँ देखेगी तो डांटेगी। अरे कुछ भी नहीं यार। तनु, बड़ी, चुप कर बिल्ली। कौन सुनी अभी तू एक चक्कर तो है वो क्या है ना कि वीर जी ऑन द वे ऑफ द हाईवे हमारी लाख लाख मनी की जो गड्डी थी ना खराब हो गई कहानी बोले कि पैदल ही सवारी करनी पड़ेगी अब यहाँ पर ओडी और मर्सिडीज तो मिलती ही नहीं तो लकी लकी ये ट्रैक्टर दिख गया स्ट्रेंजर सा बस मैंने मौका देखा और हेलो शालो बोल के मैंने तो गिफ्ट मांग ली थी गिफ्ट लिफ्ट जी वही लिफ्ट हाँ हाय रब्बा साफ भूल गई और संतो जल्दी से लस्सी दे हेलो जी हेलो रानो डॉर्लिंग हाय मेरी बानी हैप्पी हैप्पी गोइंग ग्लोरी वेलकम हैप्पी कमिंग ग्लोरी वेलकम हैप्पी गोइंग ग्लोरी और साथ में लड़का हाय रब्बा अंग्रेजी लव देखेगी ना तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी किसी के साथ अकेले देखना चल नॉटी कहेगी अच्छा सुन मुझे ना बहुत जरूरी काम याद आ गया तू ना बस यही रुक अरे लस्सी वस्सी दो ना संतो जल्दी से मैं आ रही हूं अभी आई अभी आई अरे जल्दी आना रानो आप तो बड़े वो हैं जी इतनी बड़ी ब्रेक करने वाली खबर आई और आपने मुझे बताया ही नहीं खबर अरे चाचा जी का खाता है ना अमेरिका से उन्होंने हम सबको अमेरिका बुलाया ना और पिज्जा भी भेजा देखो वीजा अरे हाँ वही पता था तो बताया क्यों नहीं आपने मुझे इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पटियाला छोड़ के अमेरिका नहीं जाऊंगा इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ इसी मिट्टी आप में ना मिट्टी मिट्टी कहते कहते ना मिट्टी में ही रह गए अरे चाचा जी को देखा परदेश में जाकर के कितने बड़े आदमी बन गए और चाची की अलमारियों में ना भर भर के साड़ियां हैं ऐसा तो नहीं कि वीरेंद्र भाई साहब ने आपके कान भर दिए हो वीरू को तो मैंने अभी तक बताया तक नहीं तो ठीक है मैं जाकर बताती हूँ सबको तुमने एक बार भी ऋषि के बारे में नहीं सोचा ऋषि के बारे में क्या सोचना ज्योतिषी ने क्या बोला था ऋषि के पैदा होने के टाइम पे ऋषि बच्चा है अभी सिर्फ 7 साल का है और 7 साल की उम्र में ना कोई तकलीफ नहीं होगी उसे कुंडली के हिसाब से 23 साल की उम्र में होगी भाग जाएंगे किस्मत हमारा पीछा करते करते 7 समंदर पार भी आ गई तो कुंडली में अब किसी जोशी के कहने पर हम अपना भविष्य तो खराब नहीं कर देंगे ना और ये पिद्दी सी लड़की उसकी ढाल बनेगी उसकी रक्षक बनेगी अरे ये बच्ची को ना बच्ची रहने दो सावित्री संजीवनी बूटी ना बनाओ आप तू चाहे भी तो उन्हें अलग नहीं कर सकती उसकी किस्मत उसे वहीं लेके आएगी जहाँ उससे मिलना लिखा है जहाँ दोनों का जोड़ा जुड़ा है Yeah.
जय जी, कोई बचाओ, ऋषि डूब रहा है। आज तो लगता है तन्नू में कालिमा आ गई है। बड़ी बहादुर लड़की है, अपनी जान से खेल के बचाया इसने लड़के को। आज अगर ये लड़की ना होती ना तो पता नहीं इस लड़के के साथ क्या हो जाता। अरे हम लोग लोड़ी की जगह से बहुत दूर आ गए, बच्चों को ठंड लग रही है, इनको गर्माइश चाहिए, क्या कर रहे हैं इनके लिए। लेकिन हम इतनी जल्दी घर पहुंचेंगे कैसे? वहाँ देखो, एक ही जगह है जहाँ रातों को रोशनी आती है, पटियाला का सबसे जागृत मंदिर, जहाँ माँ काली आती है हर काल को काटने, वहाँ खाई हर कसम को, हर उस अधूरी कहानी को पूरा करने जो उसके मंदिर में शुरू हुई थी। वही माता की शक्ति मिलती है, वही सबको पनाह मिलती है। तनु ठीक है ना बेटा? चल देख लो, उठा ले, चल 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 मेरा बेटा, शाबाश शाबाश, पहुंच गए बेटा, पहुंच गए, ठीक हो जाएगा। माँ माँ आखिर जोड़ा बना ही दिया तूने। हाँ मैं जानती हूँ, कहा था तूने कि तू फिर से ये कहानी रचेगी, और देख तूने कहानी रच दी माँ, रच दी तूने। वो जो तुझे ले जा रहा था वो खरगोश नहीं था, वो इस लड़के का काल था। काल जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। चुनरी
आज जो हुआ वो होना ही था, इसका काल आना ही था, तुझे इसे बचाना ही था, और इसे बचाते बचाते तुझे चोट खानी ही थी। इसके तो हाथ से खून बह रहा। शक्ति सर्व महाशक्ति, जय मां काली, जय मां काली। जुड़े हैं ये दोनों हाथों की लकीरों से, माथे की तकदीरों से, दोनों की जन्म से एक है, ग्रह नक्षत्र एक है। पिछले जन्म में इस लड़के के पुण्य कर्म थे जो इस जन्म में इस लड़के का रक्षा कवच बन गए। ये लड़के हर हाल में अपने नसीब से लड़ेंगे इस लड़के के। ये हारेगी, इसे जिताने के लिए ये हारेगी। तू होनी के सामने आएगी, इसे अनहोनी से बचाएगी, पर जब जब तू इसे बचाएगी तू चोट खाएगी। यही तेरी किस्मत है और यही तेरा भाग। के बारे में क्या बताना है जी? ये मेरा बेटा है। मैं बेटा? तूने सिर्फ इसे जन्म दिया, लेकिन ये तेरा बेटा नहीं। ये हर पल हर घड़ी हर हाल में सिर्फ और सिर्फ इसका है। तूने तो सिर्फ एक जन्म दिया है ना, पर ये बार बार हर बार आएगा, हर बार जन्म लेगा सिर्फ इस लड़की के लिए, इसका प्यार पाने के लिए, इसका होने के लिए। ये मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, अपने उस कसम को पूरी करने जो इन्होंने एक दूसरे को दी थी। सिर्फ इस जन्म नहीं, उस जन्म नहीं, ये मिलेंगे हर जन्म। मां काली ने मिला पूरी करने इनके प्यार की कसम। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.